हाय गाइस, वेलकम है आपके चैनल केयर विद स्माइल में। और आज का जो हम रिव्यू देने वाले हैं, वो रिव्यू देने वाले हैं बिग मसल्स के रॉ एंड रियल करके जो प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन के बारे में। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, पेड वीडियोस नहीं है, इसलिए जो भी सारी बातें बताने वाला हूँ वो एकदम जेन्युइन है, उनमें सभी में आपको सच्चाई मिलेगी। सो वीडियो में मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ इसके रिजल्ट, प्राइस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियोज़ में सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो 1549 रुपये का ये आपका प्रोटीन आएगा, ठीक है। अगर आपको रॉ एंड रियल करके कॉन्सेंट्रेट में लेना है तो 1549 रुपये का है। आपको अगर आइसोलेट लेना है तो 1750 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। सो अब इसकी अगर हम स्कूप की बात करें तो 30 स्कूप इसमें मिल जाएंगे आपके, और एक स्कूप 30 ग्राम्स का होगा जिसमें आपको 24 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा। देखिए पैकेट में इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ग्लूटामाइन कितना है या फिर इसमें BCA कितना है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये लिखा है कि 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पर आप इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर दिखा रखा है कि इसमें जो आपको BCA मिलेगा वो आपको 5.5 ग्राम मिलेगा, जो कि ठीक है। इसके अलावा ग्लूटामाइन की अगर बात करें तो 4.5 जो है ग्लूटामाइन मिलेगा, वो भी इसकी साइट पर लिखा हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये लगी कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव मिला हुआ नहीं है इसमें, ये ग्लूटेन फ्री है, 0 ग्राम शुगर है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी। और एक और अच्छी बात ये लगी कि हर पैकेट पर कंपनीज ना अपने अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं देता, जबकि इसने अपना पूरा प्रोफाइल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी बात है। अगर इसके लेने के तरीके की बात करके कैसे लेना है, तो देखिए आप इसे दूध में भी ले सकते हैं, मिल्क में ले सकते हैं, या पानी में भी ले सकते हैं, ठीक है। दूध में अगर आपको ज़्यादा कैलरीज चाहिए तो दूध में ले सकते हैं, अगर कैलरीज कम रखना है तो पानी में ले सकते हैं। अगर बात करें कि यार कितना ओरिजिनल है, कितना सही है, कहीं ऐसा नहीं हो अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगा ले और हमें ख़राब मिले, तो यार इसमें एक ऑथेंटिकेशन आपको कोड दिया होता है जो आप स्क्रैच करके ये आप उसका पता लगा सकते हैं। आपको मैसेज करना होता है ये कोड डालकर, उससे आपका पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। सो उसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कोई ख़राब प्रोडक्ट मिले। देखिए एक मेन चीज़ होती है इसके रिजल्ट की, यार इसके लेने के बाद इसका रिजल्ट कैसा है। तो रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है, ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, थोड़ा सा है। और ये मैं सुबह शाम ले रहा था। अगर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक साथ भी 2 स्कूप ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप 1 स्कूप मॉर्निंग में और 1 स्कूप अपना पोस्ट वर्कआउट के ले सकते हैं। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो मैं अगर कहूँगा कि हाँ अच्छा है या बुरा है तो शायद आपको यकीन ना हो, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ़ोटोग्राफ के थ्रू कि इसे लेते हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन पहले कैसा था फिज़िक और अभी कैसा है। तो साइड बाई साइड मैं आपको दिखा दूँगा कि ये मेरा बिफोर का है और ये मेरा लास्ट का है, जो 20-25 दिन के बाद फ़र्क पड़ा। ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे पता है, पर जाहिर सी बात है आप सिर्फ 20-25 दिन में तो बॉडी बना नहीं सकते। तो अगर ओवरऑल अगर इसके रिज़ल्ट को बोलूँ तो सिर्फ एवरेज में बोलूँगा ठीक है। टेस्ट की बात है, हाँ एक मेन चीज़ अगर टेस्ट की इसकी बात करूँ तो कंपेयर टू एज इट इज़ का जो प्रोटीन आता है उससे थोड़ा बेटर है, टेस्ट इसका बेटर है। और एक चीज़ और जो एक मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगा वो ये लगा कि इसमें झाग बहुत बनते हैं, आप जब हिलाने के बाद देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म इकट्ठी हो जाती है, इवन आप पी लेते हैं उसके बाद भी आपके सिपर में झाग बहुत सारी रह जाती है। पर रिज़ल्ट मेन चीज़ है, रिज़ल्ट ठीक है, एवरेज है, सही लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक बार कहूँगा कि हाँ सजेस्ट मैं करता हूँ कि आप ले सकते हैं इसे। आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आइसोलेट ले सकते हैं, वेट कम है तो कॉन्सेंट्रेट से आप काम चला सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतनी था। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा इसका, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपके साथ भी क्या फॉर्म बना, झाग वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी आई, कैसा रिजल्ट लिया, वो सारे आप अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इससे शायद दूसरों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी तरह तरह की वीडियोज़ मैं इस पर लाता रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं तरह की वीडियोज़ लाता है, और भी टॉपिक पर मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ा मरला नेक्स्ट वीडियो में।